बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन डेली ब्लॉग से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बुरहानी बैगन फ्राई बैगन बना रही हूँ। ये मैंने एक गोल बैगन लिया, एक लंबा बैगन लिया। मैंने हल्दी एक टेबल स्पून लिया, ज़ीरा पाउडर मैंने एक टेबल स्पून लिया, मिर्च पाउडर मैंने एक टेबल स्पून लिया, बघार के लिए मैंने ज़ीरा चाय के एक चमचे लिया, हसबे ज़रूरत नमक और एक पाव दही मैंने लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा मोटे मोटे काटूंगी मैं बैगन, ये फ्राई होंगे। ये बुरहानी बैगन के लिए ये मैंने नमक के पानी में डाल दिए, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया नमक के पानी से। ये मैंने एक टेबल स्पून मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये हसबे ज़रूरत नमक। ये मैं बैगन में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। ये बुरहानी बैगन के लिए मैंने अलग कर दिया, ये फ्राई बैगन। मैं सारे मसाले लगा दिया, बैगन तैयार हो गए मसाले से। एक पाव दही में मैं इतना से पीसी मिर्च डाल दी और इतना नमक हसबे ज़रूरत और थोड़ा से पानी। मैंने दही को फेंट के इसके बैटर बना दिए। अब मैं इसे रख रही हूँ और बना के तेल फ्राई पैन में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बैगन फ्राई कर रही हूँ।
दरमियानी कर दिया और मैं 2 मिनट के लिए ढकना ढक लूँ। ये हमारे बैगन देखे गल गए, अब मैं इसे पलट दूँगी। बिस्मिल्लाह। ये एक दूसरी तरफ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा बैगन। बैगन तैयार हो गए फ्राई बैगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुरहानी बैगन तैयार हो गए, अब मैं इसमें दही का बैटर डाल रही हूँ, यानी कि रायता डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रायता डाल रही हूँ मैं। मैंने तड़के के लिए तेल चढ़ा दिया, ये इतना से मैं जीरा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तड़के लगा रही हूँ। ये हमारे फ्राई बैगन तैयार हो गए, ये बुरहानी बैगन तैयार हो गए। मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।